कराची में डाकू डाल शहरी बेयारू मददगार 24 घंटे में 3 शहरी जाने गवा बैठे। औरंगी में डाकू के फायरिंग से दुकान में बैठा शख्स कत्ल। 2 बच्चों का बाप आसिफ बैंक से दुकान पहुंचा, ताकुम में आते डाकू ने मुजाहमत पर गोलियां मार दी। गुज़िश्ता शाम न्यू कराची में नौजवान आमिर और अंडा मोड़ पर 70 साल शख्स हामिद को डाकू ने मौत के घाट उतार डाला। दावे बेकार इकदाम बेसूद। कराची में माहिर रमजान में स्ट्रीट क्राइम्स का शैतान आजाद। डाकुओं ने 24 रोज में 14 शहरियों की जान ले ली। रवा बरस 3 माह में जांबाक अफराद की तादाद 53 हो गई। फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। मकतूलीन में 2 सारा बच्ची, 3 खवातीन और 5 तालिब इल्म भी शामिल। पुलिस एहलकार, क्रिकेटर, 2 फूड डिलीवरी राइडर और सिक्योरिटी गार्ड भी गोलियों का निशाना बने। 2 रिक्शा ड्राइवर, 2 टेलर मास्टर, कारपेंटर, फल और फूल फरोश भी डाकुओं से ना बच सके। जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अजलास में यकीन दहानी कहा कि जजेस को खतूत में मशकूक केमिकल मिलने की तहकीकात जारी है। महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए दिन रात काविशें करना है, माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF का एक प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA निजकारी के लिए तय शुदा शेड्यूल पर अमल होगा। तमाम तर तवज्जो मईशत पर है। मुल्क है तो सियासत और सियासतदान है। मईशत और सियासत की नज़र नहीं करना। मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा शहबाज शरीफ उम्मीद का नाम है, उनकी क़यादत मसाइल हल करेंगे। ब्लूमबर्ग ने महंगाई कम होकर 15% पर आने की पेशगोई की। एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है। अलायंस में कितनी जमात हैं ये नहीं पता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।